तो तैयारी कर ली है ईद की, कैसा मैं लग रहा हूँ कमेंट में मुझे जरूर बताइए। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ईद का दिन है और अभी टाइम हो गया है 6:40 का, और ये आपका यूट्यूबर अभी तक सो रहा है और अभी ये उठा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब भाई? होप कि आप सब ठीक होंगे और खैरोफियत से होंगे। और रेडी जी, रात को सारा काम मेरा ख़त्म हो गया था। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद के दौरान मेरे पास काम की मसरूफियात ज़्यादा होती है, दिन रात करके जो है ना काम ख़त्म किया है। तो आज ईद का दिन है, आज ईद का दिन हमारा कैसे गुजरता है सारा आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये कोहिनूर का हीरा मोबाइल मैंने लिया है जो कि तकरीबन 15 दिन से मुझे इतना तंग कर रहा है, दिन रात जो है ना तंग कर रहा है। ये देखें अभी इसके सिग्नल जो है ना डाउन है और बैटरी का भी थोड़ा इसमें इशू है। ये हमारी शेविंग मशीन का चार्जिंग लगा हुआ है और ये बड़ी है शेविंग मशीन। एक बार पहले भी इसको चेक कर चुका हूँ, लेकिन जो है ना पहले जब भाई ने की थी तो मूछें उड़ा दी थी, आज मैं खुद इसकी जो है ना शेव करने वाला हूँ। पहली बार जब इससे शेव की थी तो मूछें जो है ना उमर अली ने मेरी उड़ा दी थी, आज मैंने फुल शेव की भी की है इसकी। अभी जो टाइम हो रहा है 7 का टाइम है और ईद का जो टाइम है तकरीबन जो है ना 8:30-9 बजे तक ईद पढ़ाई जाएगी। अभी ईद की तैयारी हमने कर ली है शुरू आस्ता आस्ता, जैसे जैसे करते जाएंगे आपके साथ सारी शेयर करेंगे। आज व्लॉग बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आपने जो ये व्लॉग है ना ये वाला मुकम्मल देखना। अस्सलाम वालेकुम हसनैन अली। हसनैन अली कैसे हो आप? हसनैन अली ठीक हो? हसनैन अली ठीक हो आप? ये बैठा है अहमद अली। अहमद अली आज है ईद, ईद की आपने नए कपड़े तैयारी नहीं की अभी तक हैं? करोगे? हसनैन अली बोल रहे हैं हाँ मैं करूँगा। मैंने तैयारी कर ली है ईद से पहले और ये है मेरी गुड़िया की ईद, 50 रुपये पूरे। हाँ ये लो गुड़िया। और यहाँ पे अहमद भी आया हुआ है और अहमद ने भी तैयारी कर ली है। ये 10 रुपये ईद अहमद अली की, ले लो 10। नहीं दा ले ला। नहीं दा नहीं ले दा। नहीं कितने लमड़े नहीं। अच्छा ये प्लीज। अहमद अली और रानी की ईद हो गई है कंप्लीट। कितनी लमड़ी ईद? 50। ये है अली हमजा की ईद। टाइम रह गया थोड़ा सा और अभी कर रहे हैं जी तैयारी ईद की फाइनल। ये ईद है हसनैन आपकी 50 रुपये। आप बहुत बड़े आदमी हो ना तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें लेनी है, तो आपकी ईद भी आ गई। हाँ आपकी सारी ईद आ गई। तो तैयारी कर ली है ईद की, कैसा मैं लग रहा हूँ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और टाइम भी जो है ना थोड़ा सा रह गया ईद का, तो मुझे भाग के जाना पड़ेगा क्योंकि ईद भी लाजमी पढ़नी। ईद है, पढ़ाई जा रही और मैं हो गया हूँ लेट। ईद लिए पढ़ और अभी मैं पहुँच आया हूँ घर। आज थोड़ा लेट हो गया था लेकिन पहुँच गया था। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो। सामने ईद का स्टॉक इकट्ठा किया हुआ है, बोतलें और खिलौने और उसके अलावा समोसे वगैरह लगाए हुए हैं बच्चों के लिए। दिन पहले जी मोबाइल लेके आया हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कोहिनूर हीरा। कोहिनूर हीरा इसको इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मोबाइल मैं लेके आया हूँ 2 हफ्ते पहले और इस मोबाइल ने इतना मुझे तंग किया है। पहले मेरे पास जो इससे पहले मोबाइल था ना उसमें मेरी सिम थी, मतलब नेट वगैरह भी मैं उसी पे जो है ना यूज़ करता था। जब से ये लेके आया हूँ ये रिपेयरिंग भी करवाया फिर भी जो है ना ये ठीक नहीं हो रहा। तो जिससे मोबाइल लिया कल फिर मैंने उससे वापसी देने की बात की है, इंशाल्लाह ये देख के जो है ना फिर दूसरा मोबाइल लूँगा। और उस वजह से मैं कोई भी वीडियो भी नहीं बना पाया। ऐसे एक बात समझ आ गई कि कभी भी कोई चीज़ बंदा ले यूज़ में ना ले, अगर यूज़ में भी ले तो तकरीबन कुछ हद तक सही हो। मैंने ये यूज़ में लिया तो यकीन माने इसके ऊपर जो है ना मैंने खर्चा भी काफ़ी किया, लेकिन ये जो है ना रिपेयर भी सही नहीं हुआ और अभी भी जो है ना मेरी असेंबली सिम में नंबर मेरा बंद है। तो एक तो मेरा जो YouTube का मसला है ना, मेरी मतलब वीडियो काफ़ी बनी हुई है, वो भी मैंने अपलोड अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं की। रानी क्या हुआ है आपकी चप्पल को, टूट गई है? कैसे टूटी आपकी चप्पल हैं? कैसे आएंगी? आपने खुद तोड़ दिया है? पैसे किधर हैं जो आपको पैसे दिए थे हमने हैं? वो किधर हैं वो पैसे किधर हैं? चीज़ ली है पैसे की जो पैसे दिए थे आपको हैं?
वो पैसे हो गए ख़त्म जो गुड़ियों को दिए थे, अभी गुड़िया और मांग रही। सुबह का हमारा नाश्ता थे मीठे चावल और अभी लंच टाइम हो रहा है और ये हमारा लंच आ गया है। अगर आपने करना है तो आ जाए बिस्मिल्ला। जैसे आपको पता है कि माह रमज़ान की ईद होती है, सुबह होते हैं मीठे चावल और अभी ये लंच है जैसे आपको बताया, तो हम करने वाले हैं अभी लंच। तो आज का जो मेरा व्लॉग था यही था। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।